हमने पूरा मैंडेट का टारगेट अचीव किया और सर किस साल सर किस बार अवेलेबिलिटी बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है। नहीं, अगर बीजेपी के कहने से काम कर रहा होता तो ये जो राजौरी और पुंछ मेरा पार्लियामेंट हिस्सा था ये मैं अनंतनाग को देता, और दूसरा ये जो सुचेतगढ़ और नौशहरा कालाकोट अखनूर और सांबा में जो लोग सड़कों पर धरनों पर इस्तीफे दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग दे रहे थे ना, और तो नहीं को लोग बाहर आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें रोल है, लोग धरने और प्रदर्शन करते क्या, फिर तो अपने हिसाब से होता। ये वो लोग कर रहे हैं जो शक्तियों का दुरुपयोग करते रहे हैं, अब उनका कोई पेश नहीं चल रही है। जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, इसलिए उन लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। अब वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमें डिलिमिटेशन कमीशन का पूरा भरोसा है, जो कमी रही होगी उसको भी डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो करेगा। अभी समय है लोगों के पास भी, लोग भी अपनी बात रख सकेंगे और अपने सुझाव दे सकेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन चेयरमैन उस पर काम करेंगे। सर फाइन साहब जो है वो जिस तरह से और किता पीर पंचाल में मैं इसके विरोध में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये फाइन साहब जो है पूरी जिला में हमारी जो है वो दिशा की मीटिंग थी जिसमें हम सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स जो है उस पर चर्चा करते हैं। वो जो पैसा केंद्र की तरफ से आता है वो सही समय पर लगे, और यहाँ इस मीटिंग में बहुत सारे लोग जो है रहते हैं, जैसे हमारे चेयरमैन हूँ, डिजिटल डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन हूँ, और उसके साथ ही हमारे BDC और DDC। लेकिन विशेष तौर पर ये दिशा की मीटिंग जो है वो हमारे जहाँ के डिजिटल डेवलपमेंट कमिश्नर विकास जी जो हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। इन्होंने यहाँ पर सारी चिंता जो है वो की थी, मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने थोड़े समय रहते सारी व्यवस्थाएं जहाँ पर की हैं, और सारे ऑफिसर जो हैं वो तैयारी करके जो है वो आए थे। हाँ, एक बात जरूर है कि जहाँ पर चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और इसके साथ साथ जो BDC DDC जहाँ पर आए थे, उन्होंने कई विषयों पर जहाँ पर चर्चा की है। हम सब का मकसद रहता है कि विकास को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं, और विकास हमारी प्राथमिकता है। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भाई ये जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उस सबका लाभ गरीब से गरीब तक पहुँचे, और जिस के लिए जो पैसा आता है वो वहाँ उसका लाभ उसको मिले। तो उस पर जहाँ पर बड़ी सारी चर्चा हुई है, जहाँ पर ब्रिजेस पर चर्चा हुई है, जहाँ पर रोड पर चर्चा हुई है, जहाँ जल शक्ति मंत्रालय जो पीने वाला पानी उपलब्ध करवाने वाले वहाँ उस पर चर्चा हुई है, हेल्थ विषय पर चर्चा हुई है, जहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की हर विषय पर चर्चा हुई है, बहुत सकारात्मक माहौल में ये मीटिंग रही है और सब ने अपना सहयोग जो है वो इसमें दिया। सर पैसा लोगों तक पहुँचे, जो स्कीम अभी तक पेंडिंग है, जिन स्कीम का पैसा पूरी तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो बचा हुआ है, जैसे आपने मीटिंग में डिस्कस किया, ऐसा है ये मीटिंग इसीलिए की जाती है कि भाई एक रिव्यू हो, ताकि डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जो ऑफिसर हैं, उनकी जो जिम्मेवारी बनती है क्या वो उसको बखूबी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, और जो पैसा केंद्र की तरफ से आता है जिस स्कीम के लिए क्या वो पूरा इस्तेमाल यूटिलाइज हो गया या ना हुआ। तो आपने भी सही कहा कि कई ऐसी स्कीम्स थी जिसमें अभी पैसा जो है वो बकाया है, वो पूरा पैसा नहीं लगा है, लेकिन अभी हमारे पास 31 मार्च तक का समय है। हमें जहाँ पर इनको ये एक टारगेट फिक्स किया है कि भाई 31 मार्च तक ये सारा पैसा जो है वो लग जाना चाहिए, और जो जो स्कीम के लिए जितना जितना पैसा आया है वो सबका सदुपयोग हो और समय से वो प्रोजेक्ट पूरा हो, उसके लिए जहाँ पर चर्चा जो है वो की। ऐसा देखिए, मैं डिलिमिटेशन कमीशन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये बहुत जल्दी में अपनी रिपोर्ट जो है वो दी है। बड़ी मेहनत उन्होंने की है, और कुछ विषयों को लेकर कुछ शिकायतें तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बतौर एक सहयोगी मेंबर के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र के जो परेशानियां, जो समस्याएं, जो लोगों ने मसले उभारे हैं उन सब का मैं वहां पर अपनी बात रखूं। तो मैंने अपनी जो ऑब्जेक्शन फाइल करने थे, जो मैंने अपने सुझाव देने थे वो मैंने दिए हैं, उसमें ये सारी बातें हमने रखी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन चेयरमैन जो हैं वो उस पर गौर करेंगे और जो लोगों को समस्या आ रही है उन समस्याओं का समाधान करेंगे। को ट्रांसफर कर दी, कोई पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनाई जाती कि डेवलपमेंट कमीशन को कम से कम 2 साल उस डिस्ट्रिक्ट में मिले ताकि काम कर सके वो? ऐसे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर इस तरह दूंगा कि देखिए, ये जो राजौरी और पुंछ हमारा जिला है और मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की ही बात कर दूं तो आप कहीं ना कहीं जो मानेंगे मेरी बात कि जो पिछले सालों में ना यहाँ पर जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था उस तरह का ध्यान जो है वो इस क्षेत्र के लिए नहीं दिया गया था और अब वो सारी बेसिक सुविधाएं लोगों को मिले उसके लिए अब से जे जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। सर, रही बात के भाई राजौरी जिला की, तो राजौरी जिला भी एक हमारा पिछड़ा हुआ जिला था, अब जहाँ पर विकास के कार्य जो है वो होना प्रारंभ हुए, सारे ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी है किसी ऑफिसर की कहाँ जरूरत है, किसको कहाँ ले जाना है वो सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ, देखिए हमारे